अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबाह अल खैर। तो अभी जो है कि सुबह सुबह मैं ड्यूटी आया हूँ। कल रात को 12 बजे गया था, बताया था 12:30 बजे, सॉरी। इसके बाद नींद कितने बजे सोया, ये मसरी है, इसका टेंशन नहीं लेना है। फिर सोया कितने बजे, 2:30 बजे। फिर अभी उठाऊँ, चलते हैं कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट कितना है, ब्रेकफास्ट में क्या लगा हुआ है, लगाते हैं, फिर मिलते हैं। ये हमारे जमील भाई है, नाइट ड्यूटी काम करते हैं। अभी यूनिफॉर्म में लेना है, जो है कि यूनिफॉर्म खुलता है 8 बजे, लेकिन 6 बजे ड्यूटी, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। चलो चलते हैं रिसेप्शन से, मिल पहले लेते हैं ब्रेकफास्ट कितना है। आज देखते हैं मेन्यू में क्या क्या ब्रेकफास्ट है। आ गए ड्यूटी, एक हफ्ता बाद एक दिन आती है सुबह 6 बजे। वो एक स्टाफ लेट चला गया आली को तरमीन पर, चलते हैं रेस्टोरेंट में। अभी रेस्टोरेंट टाइम नहीं, वो 6:30 बजे रेस्टोरेंट ओपन होता है। अभी 6:10 हो रहा है, 20 मिनट अभी है, तो नाश्ता पानी करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो लाइट बंद है, ये लाइट बंद है, टोटल 42 है उसमें। अभी अगर आया, बिल दिया, पैसे दे, खाया तो खाया, क्योंकि टोटल जो ब्रेकफास्ट इंक्लूड है 42। लाइट क्लोज करते हैं। अभी जस्ट रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, टोटल गेस्ट 42 बताया था ना, 42। ये देखो टोटल है 42। अभी सिर्फ 2 ही गेस्ट आया हुआ है। ये रेस्टोरेंट मीट सॉसेज ग्रिल टोमेटो विथ चीज एंड स्वीट कॉर्न वाइट राइस चिक पीस चना जिसको बोलते हैं, बॉइल्ड एग्स स्क्रैम्बल्ड एग हैश ब्राउन आलू वही पोटैटो रहते हैं, पराठा फ्रेंच टोस्ट उसके साथ, ये सिरप भी है। यहाँ पर ये सलाद है, ब्रेकफास्ट में सलाद वही होता है। ये जैम है ऑरेंज का, ये स्ट्रॉबेरी है, और ये हनी है इसका मतलब बोलते हैं शहद, और ये हो गया बटर मक्खन। मतलब ब्रेकफास्ट में सलाद वही होता है, कभी एक दो चेंज कर दिए बाकी वही सेम होता है, क्योंकि जो मेन कोर्स होता है उसमें चेंज होते रहता है। ये सॉस है, टाटर सॉस है, जैतून, आते हैं टी काउंटर पे। यहाँ पे अमेरिकन कॉफ़ी रहेगा, ये हॉट मिल्क है, हॉट वाटर है, बाकी इधर शुगर है, नेस्कैफे है, और चॉकलेट है। यहाँ पे लिप्टन है, ग्रीन टी और रेड टी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ड्राई फ्रूट है ना, ऑरेंज है, मैंगो है, ये है, ये सेम ही होता है, ये भी सेम ही होता है। ये जबादी है, यहाँ पर जूस काउंटर है, वही सेम होता है। अब आ जाते हैं बेकरी पे, ये सामने मस्जिद बिलाल है माशाल्लाह।
अभी गहावा अमरीकी ख़त्म हो गया है, फिर से बना के ले चलते हैं रेस्टोरेंट में। खाली हो गया दल्ला, देख रहे हैं आई बनाते हैं। ये मशीन है, ये बना के लग गए थे फिर ख़त्म हो गया, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं ठंडा हो जाता है इसीलिए। ये देखो बन रही है अमेरिकन कॉफ़ी, गिर रही है ना अभी, ये फुल हो जाए, फुल भी नहीं आधा करेंगे तो 9:30 बज गया तो 1 घंटा बाकी है, इसीलिए आधा ही लेके जाएंगे बस। ये है अमेरिकन कॉफ़ी का पाउडर, खुशबू बड़ी अच्छी है, पीने के बाद मूड ओए है फ्रेश हो जाता है एकदम। अभी सुबह की टाइम है 9:30 बज रहा है, इतनी टाइम गेस्ट नहीं आते हैं, या तो सोते हैं या फिर ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं अपने रूम में। अभी आएंगे जोहर के बाद, शाम को ज़्यादा ही होते हैं, सुबह में नहीं होते हैं, सुबह में कभी एक दो आगे आगे। हाय सर कैसे हो, चलते हैं रेस्टोरेंट में। ये गिलास अपने पीने के लिए निकाल रहा हूँ, ये देखो ब्लैक कॉफ़ी, ओपन द डोर, ओपन द डोर। 3 बजे ड्यूटी से आया, पता है कल तो सोया ही नहीं था, जुमा में जुमा वाले दिन ड्यूटी किया, अभी पता है रात को 12:30 बजे फिर 2:30 बजे सोया, फिर सुबह 5 बजे उठा, 3 बजे आया ड्यूटी से ना, घर बात किया, लेटा हुआ था, नींद ऐसी आई कुछ पता ही नहीं चला किसका फ़ोन आया क्या हुआ, बल्कि असर की और मगरिब की नमाज़ कदा भी होगी वो तो आयशा के टाइम मोबाइल पर अजान होती है ना, टाइम टू टाइम कुछ ऐसा हुआ कि अजान हो रही, देखा तो ऐशा का अजान तो मुबरा उठते हैं भाई, नींद पूरी नहीं होती, यहाँ पता ही है ड्यूटी करके फिर कैसा होता, उठा तो अलहमदिल्ला गया नमाज़ पढ़ के आया, चलते खाना खाते हैं भाई। ये आदत ख़राब है कि अब रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, आदत बन गई ना, कम से कम मानो कि आप तो 1-2 बज ही जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जल्दी सोने के लिए, लेकिन अब इरादा बन रहा है हरम में जाने के लिए, फिर सोचते हैं कि फजर के टाइम जाए, देखते हैं क्या होता है, क्यों चलते हैं तो लॉन्ग ट्रिप कपड़ा देते हैं, हाथ से जो है ना सही से प्रेस नहीं हो पाता है तो होता है इसीलिए, अब देखते हैं क्या इरादा बनता है, अगर अभी गए तो फिर तो सुबह में फजर नहीं जा पाएंगे, तो सोच रहे हैं फजर के टाइम चलें, 4 बजे अलार्म लगाते उठते हैं, फजर की नमाज़ हराम में पढ़ते हैं क्योंकि कल छुट्टी भी है, इसीलिए अब देखते हैं क्या इरादा, क्या मूड बनता है, मूड के ऊपर है ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, देखते हैं कि किधर नेक्स्ट वीडियो किधर की जाती है, पहले लॉन्ड्री चलते हैं कपड़ा दे के आते हैं। अभी कितना कपड़ा देना, तो 1, 2, 3, 4 5, एक पहना हूँ एक प्रेस किया हुआ पड़ा हुआ, क्या नाम है कि लॉकर में आएगी लॉन्ड्री, बस ये सामने है जो वाइट वाली गाड़ी खड़ी है ना 200 नंबर पे, उसी बगल में जो साइकिल खड़ी है सामने, इस साइड पर सिर्फ एक ही लॉन्ड्री है, बाकी ये आगे की साइड पे है सब। आज और थोड़ा सुपर मार्केट घूम लेते हैं, अगर कुछ सामान लेने वाला होगा तो ले लेंगे, बहुत बड़ा सुपर मार्केट है माशाल्लाह। ये वही एरिया जो मस्जिद देखे, जो मस्जिद ना दिन में कैसा रात में कैसा है, लॉन्ड्री वाले बोरा 1 घंटे में आ जाओ प्रेस करके दे देते हैं, अगर आप प्रेस कराओगे सिर्फ प्रेस तो 1 जोड़ी का 2 रियाल लेते हैं, पहले 1 रियाल था अभी 2 रियाल हो गया, वाश करवाओगे प्रेस कराओगे तो 4 रियाल लेते हैं, 5 जोड़ी थे तो 5 × 2 = 10, तो मैं तो वाश में इधर है, वाश तो मशीन से कर लिया था, सिर्फ प्रेस क्योंकि तो पता है ना उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लंबा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दे ही देते लॉन्ड्री पे, वाश है सिर्फ प्रेस करना तो प्रेस करवा दे दिया, अभी 1 घंटा में दे देंगे देसी भाई ने, 9:15 वाली बस आएगी, क्या जाए होटल में क्या फ़ायदा इस वक्त, चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, ऐसे ही देख रहे हो ना बस ये आएगी, ये जा रही है 9:15 हो गया ना, अब जा रही है। हाँ सर सलाम वालेकुम, क्या लेके चल रहा है सर ये आप सऊदी अरेबिया में, माशाल्लाह ये तोप किधर दिया था सर, लॉन्ड्री में, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखो भाई रात का मौसम है सऊदी में, हमारा कलाम भाई देखो अभी माशाल्लाह ये लॉन्ड्री में दिया था तोप धोने के लिए, और देखो बढ़िया से धो के इस्त्री करके पैकिंग करके अभी हमारा कलाम भाई लेके जा रहा है, कलाम भाई एक बार शक्ल दिखा दो, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि बहुत दिन के बाद जहर की नमाज़ मिली है मस्जिद नबवी में। अभी इस वक्त 10 से 15 मिनट बचा है अज़ान और नमाज़ जहर की। अभी हाजी लोग जा रहे हैं नमाज़ के लिए। धूप भी है ना, इधर बाहर कोई नहीं बैठेगा इस टाइम। जुमा होता है तो बड़े भीड़ होता है माशाल्लाह। अभी अंदर जगह खुद ही खाली है, चलते हैं अंदर ही नमाज़ पढ़ लेते। जी देखो दोहर की नमाज में माशाल्लाह, तो कुछ लगता है लेट हो गया क्या हमको। पीछे थोड़ा खाली, इधर फूल हो गया, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह उम्र वाले हाजी कितने हैं। अभी अनलिमिटेड कर दिए ना, इसीलिए उम्र वाले हाजी बहुत माशाल्लाह, क्योंकि इतने होटल नए नए खुल गए, फिर भी जो कि रूम नहीं मिल पाता। अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अभी ये सामने देख रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं सलाम पेश करके। ये देखो निकलते हैं, सलाम पेश करके निकल रहे हैं रौदे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी चलते हैं मस्जिद गमामा के पास, वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, पता करना है कार्गो का, एक हाजी का कार्गो है फ्रांस का, उनको पता करना है कैसे क्या है क्या है। चलते हैं देखते हैं, ये लाइन लगी हुई है रियाद जन्ना में जाने के लिए। और ये लाइन जा रही है सलाम पेश करने के लिए रौदे रसूल की। देखो ससलो अभी देख रहे हो माशाल्लाह हाजियों की झुंड, अभी जा रहे हैं सब नमाज पढ़ के अपने अपने होटल में अपने अपने कारोबार के लिए। जैसे हम जा रहे हैं किसी काम से ना पोस्ट ऑफिस पे। और ये सामने है मस्जिद अमामा, ऊपर देख रहे हो गुम्बद पर कितनी कबूतरें बैठी है। आज अब देखते हैं क्या हालत है इस जोहर के नमाज के बाद। पहले ऐसी भीड़ आपको या जुमा को मिलती थी या फिर हज के टाइम, लेकिन अब ऐसी भीड़ आपको हर वक्त हर रोज़ मिलती है। ये देखो माशाल्लाह, ये जोहर के टाइम मस्जिद गमामा की साइड देखो ऐसे ही लगता है। रात को तो कुछ और बातें होती है, रोने के लाइट की रहती है। ये जोहर के टाइम कबूतर हैं देख रहे हैं माशाल्लाह। हाय हाय हाय, ये सब जंगली कबूतर हैं। अब एक चीज़ ख्याल किए होंगे, मक्का में हरम के पास और मदीना में मस्जिद नबवी के पास कबूतर नज़र आएगी। इसके बाद अब थोड़ी 2-4 किलोमीटर दूर पे जाओगे ना, कबूतर नज़र ही नहीं आएंगी। देख रहे हो दाना दे रहे, अभी इधर दाना बेचने वाली थी वो लेडीज नहीं है। देखो इधर है गुंबद के ऊपर, इंशाल्लाह हमको जाना इस साइड पे। हम इधर कहाँ जा रहे थे, अच्छा उधर से निकल जाते, खाली है तो। इस होटल को देखता हूँ तो पुरानी याद आती है, इसी होटल ने हमको सब कुछ सिखाया है। हमको पहले कुछ पता ही नहीं था, नए नए पे इसी होटल में आए थे, ये होटल ने हमको सब कुछ सिखाया है इसे लेके जेड तक, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं शुरू शुरू में सऊदी आया था 10 साल पहले, ये होटल था ही नहीं। ये किए और ये किए, अभी देख रहे हो माशाल्लाह बन के खड़ा भी हो गया, अभी चालू नहीं हुआ है।
और ये मस्जिद सामने है, ये मस्जिद तारीख़ी मस्जिद है। ये जो मस्जिद है ना, ये तारीख़ी है। अभी इसको अच्छा सा बना दिया डेकोर से कोर। अभी कौन सी मस्जिद है, इधर बारकोड है। चलो टाइम नहीं है ना, मसला ये है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह पता करेंगे फिर।